नमस्कार, आप देख रहे हैं सी संस्कार न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ विवेक त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की 30 खबरों पर। जिला अधिवक्ता संघ द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया और प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की गई। लगातार हो रहे अधिवक्ताओं पर जानलेवा हमले को लेकर संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 12 जनवरी को होने जा रहा है। रानी दुर्गावती दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने दिया कम समय, दीक्षांत समारोह की तैयारी पूरी। जबलपुर के रानीताल में राज्य स्तरीय अंतर नोडल धनुर्धर प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। रानीताल स्टेडियम में तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जीतने वाले खिलाड़ियों को किया गया पुरस्कृत। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोविड 19 के 2265 नए मामले सामने आए, अहमदाबाद में और 1290 लोग संक्रमित। झारखंड में कोरोना विस्फोट, बिहार और बंगाल की तुलना में हर रोज मिल रहे 3 गुना अधिक मरीज। केंद्र सरकार ने राज्यों को होटलों में कोविड केयर सेंटर विकसित करने, टेस्ट किट का स्टॉक करने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद, रात के कर्फ्यू का भी समय बढ़ाया गया, अब रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगा रहेगा कर्फ्यू। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि, कुल वैश्विक मामले 29.5 करोड़ के पार, अब तक कुल 54.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। फ्रांस में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,71,686 नए मामले सामने आए। कर्नाटक में 149 नए ओमिक्रॉन मामले, कुल संख्या बढ़कर 226 हुई। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्त हुआ प्रशासन। जाने माने विज्ञापन थिएटर कलाकार बरजोर पटेल का 91 साल की उम्र में निधन। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 58,097 नए मामले, ओमिक्रॉन का आंकड़ा 2135 तक पहुंचा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी, द्रास शहर का रात का न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री से नीचे। 243 नए मामलों के साथ भारत का ओमिक्रॉन आंकड़ा 2135 तक पहुंचा, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य। झारखंड के पाकुड़ में बस और ट्रक के बीच आमने सामने टक्कर, 8 लोगों की मौत, 25 घायल। छत्तीसगढ़ में 4% से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव वाले जिलों में स्कूल आंगनबाड़ी बंद रखने का फैसला। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी कोरोना संक्रमित पाए गए, इनके अतिरिक्त कई मंत्रियों में भी संक्रमित होने की खबर। गूगल ने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया। कोविड 19 के चलते राजस्थान में 16% से अधिक किशोरों को पहले 2 दिन में टीकाकरण संपन्न। नीदरलैंड में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के मामलों में 35% की वृद्धि। डीजीसीआई ने बूस्टर के रूप में भारत बायोटेक इंटरनेशनल वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण की मंजूरी दी। दीपिका पादुकोण के 36वें जन्मदिन पर जारी किया गया गहराइयां का पोस्टर। आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में बुमराह और शमी ने लगाई छलांग, बुमराह 9वें पायदान पर और शमी 17वें पर पहुंचे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 विकेट से जीता बांग्लादेश, 1-0 से सीरीज में बढ़त बनाई। कोरोना के कहर के बीच बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी और अन्य घरेलू टूर्नामेंट स्थगित किए। बांग्लादेश के कप्तान मोमिनुल हक ने मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन न्यूजीलैंड पर अपनी टीम की 8 विकेट की जीत को अविश्वसनीय करार दिया। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 58,097 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले दिन के मुकाबले 20,718 ज्यादा है, जबकि बीते 24 घंटे में 534 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 2135 हो गए हैं, जिससे महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। यह आंकड़े बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने साझा किए हैं। मंगलवार को जहां भारत में कोरोना के मामले 37,379 थे, वहीं यह मामले बढ़कर 58,000 से ज़्यादा हो गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस की वजह से 534 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ मौतों की कुल संख्या बढ़कर 4,82,551 हो गई है। वर्तमान में कोरोना वायरस के कुल 2,14,004 सक्रिय मामले हैं। भारत में जिस हिसाब से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से वह दिन दूर नहीं जब यह मामले 1 लाख को क्रॉस कर जाएंगे। भारत की फिलहाल पॉजिटिविटी रेट 0.61% पर रुकी हुई है, लेकिन बहुत ही जल्दी यह रेट बढ़ सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें
और जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जा रही हैं उनका पालन करें। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन अवश्य लगवाएं और देश का सहयोग करें। कोरोना से हमें मिलकर लड़ना है और आगे निकलना है।